आज के एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हमने फाइनली मेरे गणपति की मूर्ति बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. एंड बाय हम आई मीन हम ऑब्वियसली विरवित ऋत्विक, और वो हमें सिखाने वाले हैं कि कैसे करना है परफेक्शन. एंड हम पहली बार साथ में मेरे घर के गणपति की मूर्ति बनाने वाले हैं. मजा आया. सो पहला स्टेप है एल्युमिनियम फॉइल लगाने का, जो सनी ने कितने अच्छे से कर लिया. वाह, गुड बॉय बेबी. इसके आगे मैं कुछ नहीं करने वाला. बेबी नो, यू हैव टू मेक मी अ मूर्ति विद मी. आर यू एक्साइटेड? ये देख, ये रही हमारी मिट्टी. शुरू करो. नाइस नाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. बेब, यू सेड यू वरंट गोना गेट योर हैंड्स डर्टी, एंड यू द फर्स्ट वन यू गॉट इट डर्टी इवन बिफोर मी. सो नो, द बेस, मेरे गणपति का बेस इज राउंड. So let's start with that. First, make a square just so that the base is really strong. Do you think we should still make a square uske niche? Basically, this is for murti ka jo center hota na, taki wo strong khadi rahe aur murti ka weight kam ho. Otherwise, mitti se murti bahut heavy hoga. Par ye bhi jo apna niche ka base hai, wo bhi flat hai. Flat round. तुमने राउंड शेप देने के लिए जो टैलेंट दिखा है उसमें ना मेरा डब्बा फंस गया है. अरे भाई, पूरा बेस फंस गया. पूरा भाई, ये वाह, टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना. अब इसको पर राउंड शेप पहले ही हमने बनाया था. सर्कल अपना सर्कल दे रही हो, ये राउंड शेप देगा. अभी अपने को एक डायरेक्शन मिल गई पर उसके बेस का ये हिल गया है. बेस नहीं होगा, फिर कर देंगे अंदर. ये हो गया, सब होता रहेगा. एडजस्टमेंट एंड मोमेंट तक चलती है यार. उसको हटा देंगे जैसे मटकी नहीं होता. आर यू सीरियस? वो केक होता है जिसके साइड में प्लास्टिक लगा होता है, जिसके साइड में ऐसे प्लास्टिक लगा होता है, फिर प्लास्टिक हटाते उसमें से केक निकलता है. यू नॉट, यू डोंट नो. मेरा पहला है यार. राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो. अपनी छाप छोड़ते हुए तो आज हम पहुंचे हैं यहाँ से. सो दिस इज इट फॉर आवर फर्स्ट डे ऑफ मेकिंग द मूर्ति. एंड आई थिंक हमने लाइक किल कर दिया, राइट? ये कहाँ गया श्री? कहाँ गया? किधर? आज हमारा डे टू है और हम बहुत आगे पहुंच गए हैं और हम इतने ज्यादा आज के काम पे लग गए कि मैं शूट करना ही भूल गई. कोई बात नहीं. Look at that. तो हमारे हाथ रेडी है. ये मेरा हाथ है, मैंने बनाया, और ये इसने बनाया. अरे अभी तक मैंने उंगलियां नहीं बनाई है, इसलिए चीटिंग नहीं करो. और मेरे हाथ के लिए मैंने इधर स्टिक रखी हुई है. Then you don't move the sticker. गिर जाएगा नीचे. ये हमेशा से पिन डाल के फिक्स करता ही रहता है, करता ही रहता है. आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल. आई थिंक यू डन अ गुड जॉब सनी. आर यू प्राउड ऑफ मी? आई हैव डन अ गुड जॉब. हाथ की स्मूथनिंग, हमारे स्मूथनिंग एक्सपर्ट है. लोगों की मूर्ति हो जाते हैं तो हम इन्हें बुलाते हैं कि प्लीज स्मूथनिंग करके दो जी. तो आप उनके सारी जो सेल्यूलाइट है, तू हाथ तोड़ देगा. मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है. तू प्यार से कर, उसका हाथ हिल रहा है. क्या? पर तू तोड़ना नहीं, मेरे जाने के बाद कसम से बता रही हूँ, तू सिर्फ स्मूथनिंग करना. सो वी आर डन विद डे टू और हमारा रिजल्ट आई थिंक इज लाइक अमेजिंग. हाँ, क्या हो गया? वही तो मैं कह रही हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें कह रही थी कि सीधे खड़े रहो और सर ऐसा करो. क्यूट लगेगा ना? मैं वही तो कह रही थी, सीधे खड़े रहो और ऐसे करो. मैं सारे अपने ट्रायल्स इस पे करती हूँ. हाँ, ये कर लो पहले. ओके, तो मैं अब आई हूँ मेरे गणपति के सारे सामान को लेने के लिए. एंड बेसिकली बाय सामान आई मीन कलर्स, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी गणपति की पेंटिंग शुरू नहीं की है. एंड यू आर गोइंग टू बी शॉक्ड टू सी कि मैं पेंटिंग कैसे कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है. मैं अभी रील्स शूट कर रही थी निखिल के साथ, हमें टाइम नहीं मिला. तो अब हम कैसे शूट करने वाले आपको दिखी जाएगा. देखो, Thank you.
आप किससे बात कर रहे हो यार? आप इतना धीरे बोल रहे हो कि मेरे को आवाज तक नहीं सुनाई दे रही। ठीक है, तो हम थोड़े कंफ्यूज्ड हैं और हमने कुछ कुछ पोस्टर कलर्स लिए हैं और कोई कोई एक्रेलिक कलर्स लिए, पर मुझे इन्होंने बताया कि पोस्टर कलर और एक्रेलिक कलर मिक्स नहीं करने हैं। पोस्टर कलर सूखने के बाद एक्रेलिक कलर उसके ऊपर कोट डाल सकते हैं। तो इन्होंने मुझे बहुत सिखाया हुआ है। अभी मेरे पास वाइट एंड ब्लैक कलर्स बड़े डब्बे नहीं है, तो मैं छोटे दो दो ले लेती हूँ। देखिए, वाइट एंड ब्लैक कलर होने चाहिए, यू नो। ये है मेरी आज की शॉपिंग लिस्ट। ये हुए मेरे ब्रशेस, ये है मेरे कलर्स। ये मैंने लिया है ब्रश को क्लीन करने वाला लिक्विड। ये मैंने ब्राउन लिया है, गोल्डन लिया है, स्किन कलर के दो डिब्बे लिए हैं, छोटे छोटे वाइट एंड ब्लैक लिया है, गोल्डन लिया है, पिंक लिया है, येलो है, मस्टर्ड येलो काइंड ऑफ ब्राउन, रेड। आई थिंक वी गुड। आई डोंट थिंक वी नीड दिस छोटा वाला रेड ना, एक्चुअली छोटा वाला रेड। ये इतना बड़े बड़े क्यों? एक एक एक्चुअली बड़ा वाला ले ही लेते हैं। I think it's a good brush, I guess. I don't know. हमें कम कौन से पेंटर है भैया? बात तो सही है। तो ये रही मेरी आज की कलर्स की शॉपिंग, कलर्स को। सर, आप लोगों के पास ये है बुकमार्कर? बुकमार्क्स है? मैं कब से ढूंढ रही हूँ बुकमार्क्स, बुकमार्कर बोल रही हूँ मैं, स्टूपिड। इट्स एक्चुअली क्यूट। मैं करण को भी गिफ्ट करती हूँ। सॉरी, ये क्यूट वाला तो वो नहीं लगाएगा। ये क्या है? That's also cute. ये आप लोगों की ना शॉप का यही प्रॉब्लम है भैया। आप मैं जब भी आती हूँ ना, बहुत ज्यादा शॉपिंग कर लेती हूँ। This is business. तो अभी हम अपना सारा पेंटिंग वेंटिंग का सामान, मेरे जो रील शूट किए उसका सामान लेके रिक्शा में घर जा रहे हैं। फिर घर से हम सेट पे जाएंगे। हम पहुंच गए घर। चलो। और मैं भूल गई थी अपना वॉलेट, तो मैं अंकल को पैसे नहीं दूंगी। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? क्योंकि मम्मी दे देगी पैसे। मामा के पैसे नहीं है। अरे तू मत दे पागल, मेरी मम्मी दे देगी। अरे पहले भी तू नहीं दिए थे। ओके, नेवर माइंड, थैंक यू। बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा है। तो ये है मेरी मूर्ति और ये है मेरी गाड़ी। तो मैं अपनी मूर्ति के साथ आज सेट पे जा रही हूँ शूटिंग पे, और मैं सेट पे मेरी मूर्ति को कलर करने वाली हूँ, और सनी भी सेट पे ही आ जाएगा। तो मैं फाइनली फिल्मफेयर से घर पहुंची हूँ और ये है मेरे घर का माहौल। अभी मेरे गणपति की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ओह माय गॉड, बाहर ऐसे मिर्ची लाइट नहीं लग पाएगी। अच्छा, आप लाइटिंग वाले नहीं है? अच्छा, आप फ्लोरिस्ट है? ओके, हाय। बाप रे, अभी स्टार्ट कर रहे हो? हे भगवान, इतने सारे फ्लावर्स आ गए हैं। और अभी बजे है रात के 12:30 और अभी ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी हमारा फर्स्ट स्टेज चल रहा है इस चीज़ का, और मैं अपने बालों पर तेल लगा रही हूँ क्योंकि आज मेरे बालों पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ हुए हैं। लेट्स सी। तो रात के 1:00 मैं तेल लगा रही हूँ। मेरी मूर्ति अभी तक घर पे नहीं पहुँची, सो आई एम सो स्ट्रेस्ड। और रात के 1:30 काम सिर्फ यहाँ तक पहुँचा है। तो बेसिकली प्रोडक्ट्स अपने बालों से निकालने के लिए, एवरी टाइम दैट आई गो टू एन इवेंट आई ऑलवेज ऑयल माई हेयर एंड देन स्लीप। 2:00 बन रही है गर्मा गर्म चाय, क्योंकि मम्मी को सबको जगा हुआ रखना है, तो हम चाय प्लानिंग कर रहे हैं। जागते रहो। वाह मम्मा, वाह बेटा, वाह। अभी इतना हो गया है, रात के कितने बजे? 2:30, और कल मेरी शिफ्ट है 2:00 की, पर मुझे सुबह उठना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ सोने, मम्मा रुकने वाली है। अभी तक मूर्ति आई नहीं है, तो कल ही आएगी मूर्ति। उसने बोला तो आज ही ला के देगा, पर वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द मूर्ति। आई एम सुपर टेंस्ड, आई एम सुपर नर्वस, क्योंकि वो अभी तक बोल रहा है कि वो निकला नहीं है। एंड इफ द मूर्ति इज गोइंग टू कम टुमारो, आई डोंट नो व्हाट टू डू। So I have to wake up in I don't know how many hours. कल सुबह देखते हैं। मूर्ति फाइनली आ गई है कलर होके, but then अगर आप पास से देखो so then the मूर्ति starting to crack a little, क्योंकि इसे मैंने शुरू बहुत पहले किया था।
सो ये मूर्ति पे हम हार डाल नहीं पाएंगे. इट इज नॉट गोइंग टू सस्टेन फॉर ऑल द सिक्स डेज. ये मेरे घर पे सिक्स डेज के गणपति होते हैं. तो सुबह सुबह उठ के मैंने जब ये देखा तो आई हैव डिसाइडेड टू बाय अ न्यू मूर्ति. मूर्ति तो मैंने और करण ने बनाई है बहुत प्यार से. सो वी आर गोइंग टू कीप इट फॉर डेढ़ दिन के लिए. ये मूर्ति हम रखेंगे और डेढ़ दिन में इसके विसर्जन कर देंगे. और अभी हम लेने जा रहे हैं एक नई मूर्ति जो हमें हम 6 दिन के लिए रख पाए और जो हार और सब चीज़ों का वेट सस्टेन कर पाए, क्योंकि ये बहुत नाजुक है और ये मूर्ति हार या कोई भी ज्वेलरी का वेट नहीं उठा पाएगी. तो अभी गणपति के दिन ही हम सुबह जाके मूर्ति ढूंढने वाले हैं. सो इट्स अ लॉट ऑफ रश एंड एवरीथिंग हैपनिंग और मुझे शूट के लिए भी निकलना है. तो आई एम इन अ लॉट ऑफ रश. लेट्स गो. हमने मूर्ति सिलेक्ट कर ली और हमें बहुत सुंदर मूर्ति मिली है. जस्ट लुक एट इट. हैप्पी पापा. मम्मा तो खुश है. हमने बनाई है. सो क्यूट. फाइनली गणेश जी हमारे घर आ गए हैं. सारी तैयारियाँ हो गई है. आई कांट वेट फॉर मोदक. आरती भी हमने कर ली है. आई थिंक फाइनली सब कुछ हो ही गया. आई एम वेरी वेरी हैप्पी. अब मुझे शूट पे जाना है. सो थैंक यू सो मच. बाय एवरीबॉडी.